आज हम बनाएंगे हक्का नूडल्स। पहले हमें लगेगा कट किया हुआ कैबेज, ओनियन, टमाटर, शिमला मिर्च, स्प्रिंग ओनियन, धनिया, शेजवान चटनी और टोमेटो सॉस और ये नूडल्स। ये सब सामग्री हमें हक्का नूडल्स बनाने के लिए लगेगी। अभी हमने एक बर्तन लिया है जिसमें हम लोग अभी पानी ऐड करेंगे। इसको बॉईल करेंगे 5 पानी को उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे हक्का नूडल्स। ये उबाल आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको उबाल आ रहा है, इसको 10 मिनट तक ढक्कन से बंद कर देंगे और इसको उबालेंगे। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं नूडल्स पक चुके हैं। यहाँ पे हमें चम्मच के हेल्प से उसको कट करके देख रही हूँ तो नूडल्स कट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी नूडल्स अभी रेडी है। हमने ऐसी एक प्रकार की एक छन्नी ली है जिसे हम इस पे रखेंगे। अभी इसको हमने जो बॉईल किया हुआ नूडल्स है इसको हम लोग अभी फिल्टर कर लेंगे। इस तरीके से हमें ये अभी बाजू रख देना है और एक कढ़ाई में हमें अभी फ्राई करना है। नूडल्स हम साइड में रख देंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम लोग इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, ओनियन, टमाटर, शिमला मिर्च, कैबेज, स्प्रिंग ओनियन, इन सबको हाई फ्लेम पे हम लोग पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत कलरफुल दिख रहा है। इसमें सब वेजिटेबल्स हमने ऐड किए हैं, मैंने जो आपको वेजिटेबल्स दिखाए वो सब। इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला, ये सब हम लोग अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये है हमारा शेजवान चटनी जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये है टोमेटो सॉस, ये हम लोग अभी ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा धनिया,
देख सकते हैं अभी आप लोग कि बहुत अच्छा दिख रहा है, कलरफुल। इसमें हमने अभी सॉस सब ऐड कर दिए हैं, ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है। जितना आपको दिख रहा है उतना टेस्ट को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स रेडी है। अभी हम लोग गैस बंद कर देंगे।